हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो अभी का सीन ऐसा है कि अभी हम जाएंगे मुरलीपुर। अभी जस्ट उठे हैं और फ्रेश वैस मुँह हाथ धो लिया, क्योंकि दोपहर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी ना। तो अभी जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ प्रोग्राम चल रहा है। ओके, चलिए चलते हैं। तो फिलहाल हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर और मंदिर का ये भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। और सामने आपके ये आ रहे हैं मंदिर के कुछ लोग और ऊपर वो स्पीकर रखे हैं। इस साइड में दिखाऊँ आपको तो ये मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर ये दिखाऊंगा आपको, ये देख सकते हैं कि सामने चाय वाले की दुकान है और इस साइड से एंट्री है जो कि कल की वीडियो थी, आप जाके देख सकते हैं। और इससे छोटे वाले रास्ते से अंदर से आए हम रास्ते में। और इस साइड में आपको दिखाऊं, ये देखें बाइक इसने रास्ते में रोक रखी है। और ये वाले जो भैया हैं इन्होंने छोटे छोटे खिलौने लगा रखे हैं यहाँ पर, और ये पेटियाँ रखी हुई हैं यहाँ पे आपको दिखाई देंगी ये खुलने के बाद। यहाँ पे अगर मैं साइड दिखाऊँ आपको तो यहाँ भी कट्टों के अंदर ही भरा होगा माल। अभी सुबह सुबह का नज़ारा है तो इसलिए ये खोल नहीं रखा सामान। और आगे चलता चलता मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ दुकानें यहाँ लगा रखी हैं इन्होंने और कुछ एक बंद पैकेट पड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये भाई साहब अभी लगाने के लिए रेडी हुए हैं सामान, क्योंकि अभी सुबह का 7 बजे हैं तो इसलिए। और ये आप देख सकते हैं सामने, ये अपने जूस वगैरह जो आजकल लोकल है वो बना रखते हैं। और ये वाला है जो, और ये आपके सामने आ गया है गाड़ियों वाला झूला, गाड़ी में बैठ के एकदम मस्त। और ये वाला झूला है जो लेफ्ट राइट ऐसे घूमेगा, ऊपर नीचे बस नहीं जाएगा। और वो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये भी ऊपर नीचे जाएगा। और इसके साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये है जंपिंग वाला झूला। और इसके आगे भी एक और जंपिंग वाला है झूला। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये देखो आप सामने एक और झूला तैयार हो रहा है आपके सामने, यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको। और ये देखो इसके अंदर सवारी बैठ चुकी है और झूला अपने चल दिया है एकदम। यार बहुत ज़्यादा डर लगता है ना सामने झूला झूलते हैं बच्चे लोग। और यहाँ पे तो ये गाड़ियों की पार्किंग है, ये आप देख सकते हैं ये सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। अच्छी व्यवस्था की गई है मेले के अंदर। और ये है माथुराम हलवाई, और ये गन्ने का जूस, और एक झूला और तैयार हो रहा है जंपिंग वाला, ये आप देख सकते हैं ये भैया लगे हुए हैं। और अच्छा मेला है। और इस साइड भी दुकानें हैं सारी की सारी, और इस साइड भी ये गन्ने का रस निकालने वाले भैया, और ये गोलगप्पे वाला भैया मोटू, और इसका नाम क्या है राम कुमार मोटू, एकदम देख सकते हैं एकदम भव्य नज़ारा। और इस साइड हम आ गए हैं इसके मेले की जो दूसरी साइड है ये, और यहाँ पे अपना सेटअप उठा रखे ताऊ जी चल रहे हैं अपने। और यहाँ पे इस साइड में आपको दिखाऊं तो अपने छोटे मोटे सामान की दुकान है ये, और ये ग्राउंड में सेटअप किया गया है सारा दुकानों का व्यवस्था यहाँ पे। और इस साइड ये देख सकते हैं प्लास्टिक का क्रॉकरी का सामान है और बैग अंदर बंद रखे गए हैं यहाँ पे। और यह धरती में ही अपने दरी वगैरह बिछा के रखे यहीं पे सेटअप बना दिया गया है। यहाँ पे छोटे टोपी टापी और बोतल वतल यहीं ऐसा ही कुछ सामान है। और ये हैं अपने सामान जो 100 के 3-4 मिल रहे हैं ऐसा ये बोल रहे हैं माइक के अंदर। और ये कुछ लोग हैं जो आए हैं सामान लेने के लिए, 100 के 3 100 के 3 ऐसे है, तो अपने छोटे बच्चों के लिए एकदम बेस्ट है कि 2-4 सामान आए और ले जाएं। और ये आप देख सकते हैं फवारा एकदम मस्त है, गजब का नज़ारा। और मेन कमेटी के सदस्य हैं ये आए हैं, ये देख सकते हैं माइक संचालक यही हैं। और यहाँ पे दर्शकों की भीड़ लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं एकदम लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, खचाखच मंदिर भरा हुआ है ये देख सकते हैं। और यहाँ से आने का रास्ता है, यहाँ पे कुछ
इनको इंट्रैक्शन दी जा रही है कि ऐसे ऐसे कुछ यहाँ से करना, वाल ऑन ओपन बंद यहाँ से। जब सप्लाई चल रहा है, जब सप्लाई बंद हो जाए अपन फिर बंद। ये देख सकते हैं ये वाल। ये है मेन गेट, यहाँ से जाएं आप सीधे मंदिर में, दरबार में, मेन दरबार जो है, और वहाँ पे माता शीतला का दरबार है और शिव जी का और शनिदेव का, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, है ना। और भाई क्या आप देख सकते हैं हलवे का जो चना होता है उसको उबाल के यहाँ पे प्रसाद बना दिया गया है, और एकदम मस्त प्रसाद बना गया है, आप देख सकते हैं एकदम टेस्टी स्वादिष्ट, और यहाँ पे एकदम खचाखच भीड़। वहाँ की मैं अगर बात करूँ तो खील और मखाना का प्रसाद बना हुआ है और बाबा बांट रहे हैं, एकदम मस्त है। तो फिलहाल हमने भी ले लिया प्रसाद और ये खाते हैं, चलिए अच्छा प्रसाद है, करते हैं चेक। तो फिलहाल हम आ गए हैं अपने घर, मेला वहाँ पे देख लिया और नहा के, अब हम नहा के और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, करते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो अब ब्रेकफास्ट तो क्या, सीधा लंच ही करेंगे, टाइम हो चुका है 12 का, चलिए चलते हैं अपने घर और करते हैं ब्रेकफास्ट, ओके। सो फिलहाल अपना खाना पीना हो चुका है और अभी हम आएँगे ऊपर, जा रहे हैं ऊपर, तो मैं आपको दिखाऊं टिंकू भैया है या नहीं है, तो यह देख सकते हैं। और यहाँ पे टिंकू भैया अपने रेस्ट, यहाँ पे पानी का लोटा, और देख फुल फुल सुविधा के साथ ही ऊपर से चार्जर आया हुआ है, और ये यहाँ चार्ज में फ़ोन लगा के आराम से रेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सो रहे हैं फुल सुविधा के साथ अपने रेस्ट। चलिए करिए रेस्ट, हम क्या कर सकते हैं, आप रेस्ट करें, बाय बाय। यहाँ पे छत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सामने आपके सामने तेज़ हवाएं चल रही हैं, देख सकते हैं ज़्यादा पेड़ हल रहा है और सूख भी गया है, पतझड़ आ चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे के सारे पत्ते नीचे गिर गए हैं, पतझड़ के मौसम के कारण सारा का सारा नीचे गिर गया। तो अभी हम साफ़ सफाई करेंगे वहाँ की, तो जस्ट फ़िलहाल चलते नीचे। सो फिलहाल हम आ गए हैं अपने जो गांव की जंगल है, बनी है, उसको हम दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे मैं आकर आया हूँ, एकदम बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये चारों तरफ जितना भी साफ़ सुथरा है ना, यहाँ पे सुबह सुबह दाने डाले जाते हैं पशु पक्षियों के लिए, और यहाँ पे उनके लिए पानी रखा गया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ जहाँ पक्षी जहाँ ये दाने को चुगते हैं, खाते हैं, जहाँ डालते हैं, तो वहाँ साफ़ है, ये देख सकते हैं आप, और बाकी सारे में घास फूस है ना। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे सुबह सुबह लोग यहाँ आते हैं सुबह घूमने के लिए, और प्यास ही प्यास है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये देखो एक ये रही और एक ये सामने रही, ये देख सकते हैं आप, ये दिखाऊँ मैं आपको, ये रही प्यास, और भी ज़्यादा है, ठीक है। अपना खाना पीना हो चुका है, तो चलिए अब करते हैं अपने एडिटिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और कीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखा। तो आप गुड नाइट, और पीते हैं दूध, सोते हैं, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।